वेलकम आज के पेरीड में हम एक नया सेल ऑर्गेनिल लेके आए हैं उस सेल ऑर्गेनिल का नाम है सेंट्रियोल सेंट्रियोल ये माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पेरड है ये आपको न्यूक्लियस के बाजू में इंटरफेस के टाइम पे दिखाई देते हैं डेफिनेशन ईच ऑफ अ पेयर ऑफ माइनूट सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिल्स नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन सेल डिवीजन तो सेंट्रियोल ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है डिस्कवरी सेंट्रियोल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वैन बेनेडन इन एटीन एटी सेवन बट इट स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाई टी बोवेरी इन एटीन एटी एट ऑक्कर इट इज़ फाउंड ऑल द एनिमल सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मैमिलियन आरबिसज तो ये एनिमल सेल्स में मिलता है एक्सेप्ट मैच्योर मैमिलियन आरबिसज इट इज ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट्स एंड फ्लाजिलेटेड एंड मोटाइल अलगल फॉर्म्स तो ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल लेंगे हम क्लामेडोमोनास जिसमें कि सेंट्रल प्रेजेंट है और लोअर प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रायोफाइड्स एंड टेरडोफाइड्स बट

प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट है जैसे कि ब्रायोफाइट्स है टेरिडोफाइट्स है लेकिन ये प्रो में एब्सेंट है ब्राउन एल्गी में एब्सेंट है और ये फंगल मेंबर्स में एब्सेंट है और हाइयर प्लांट्स में लाइक जिमनोसपम्प एंड एनजोस्पम्प सेंट्रिय आर एब्सेंट पोजिशन ड्यूरिंग इंटरफेज सेंट्रियोल्स आर, आर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस दैट इज पेरीफेरल टू न्यूक्लियस लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सी ये जो सेंट्रियल है ये आपको पेयर में दिखेगा सो दीज आर प्रेजेंट इन पेयर इसकी जोड़ी होती है ओके okay? और यूजुअली टू सेंट्रोल्स आर फाउंड एसोसिएटेड टुगेदर एंड द पेयर इज ऑफन कॉल्ड एज डिप्लोजोम दो सेंट्रियल्स है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है इसलिए इनको डिप्लोजोम भी कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लोजोम डिप्लोजोम लाइज इन अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाजम कॉल्ड सेंट्रोस्पियर अब ये जो सेंट्रियोल्स है इसके बाजू वाला जो लाइट एरिया दिख रहा है आपको साइटोप्लाजम का आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रोअल्स के बाजू में जो साइटोप्लाजम है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्पियर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्पीयर सो डिप्लोजोम्स और सेंट्रियोल्स लाइज इन अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ साइटोप्लाजम कॉल्ड एज सेंट्रोस्पियर्स so centrioles and centrosphere togetherly or collectively called as centrosome so what is centrosome centrioles plus centrosphere called as centrosome now we will study the ultrastructure of centrioles okay each centriole is 0.3 to 0.5 micrometer अब ये जो सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है इसका टीएस हमने यहाँ पे लिया है इसकी साइज लगभग 0.3 से लेकर 0.5 पॉइंट माइक्रोमीटर है ईच सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर एंड इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रो ट्रिब्यूल्स आर इन नाइन प्लस जीरो मैनर तो सेंट्रियोल्स में आपको यहाँ पे देखो एक माइक्रोटुल दिखाई दे रहा है ऐसे नाइन पेरीफेरल माइक्रो प्रेजेंट है और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबुल नहीं है तो पेरीफेरल में नाइन और सेंटर में जीरो देर फॉर सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज नाइन प्लस जीरो फिर से एक बार ईच सेंट्रियोल इज़ अ माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एंड इज़ फॉर्मड ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स अरेंज इन नाइन प्लस जीरो मैनर ऑल द माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर पेरीफेरल इन पोजिशन ओके ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज़ अ ट्रिपलेट एंड इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री सब ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड ए बी एंड सी अब यहाँ पे देखो एक माइक्रो ट्यूबुल इसमें तीन सब ट्यूबिल्स है यहां पर लिखा है ए उसके बाजू में बी उसके बाजू में सी तो एक माइक्रो ट्यूबुल जो होता है उसमें तीन सब ट्यूबिल्स दिखाई देंगे आपको ए बी सी सो हियर यू कैन क्लियरली सी ए बी एंड सी तो तीन जो सब ट्यूबिल्स है दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइक्रो ट्यूब्यूल्स अब यहाँ पे जो ए सब ट्यूबुल है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ थर्टीन पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स अब ए में आप यहाँ पे ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स अगर आप कनेंगे तो आपको करेक्ट थर्टीन प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई देते हैं ओके सो देर आर थर्टीन प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए वाइल बी एंड सी सब ट्यूबिल इज फॉर्म्ड ऑफ टेन पैरल प्रोटोफिलामेंट्स तो ए में कितने प्रोटोफिलामेंट्स है थर्टीन बी में टेन और सी में टेन तो ए कम्प्लीट है बी और सी इनकम्प्लीट है Each protofilament is formed of a row of alpha beta tubulin dimers. For example, let us consider subtubule A. अभी सब ट्यूबुल ए में अगर आप ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स गिनते हैं तो थर्टीन आए उस थर्टीन में से कोई भी एक आप ले लो तो ये जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोफिलामेंट और उस प्रोटोफिलामेंट में आपको यहाँ पे दो अलग कलर दिखाई दे रहे हैं एक ब्लू और एक वाइट सो दीज आर अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन डायमर सो ईच प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ अल्फ़ा बीटा ट्यूबुलिन डायमर तो ऐसे थर्टीन प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक सब ट्यूबुल में सी सब ट्यूबुल ऑफ ईच माइक्रोट्यूबुल इज लिंकड टू सब ट्यूबुल एफ एडजस्टेंड माइक्रोट्यूबुल बाई अ डेंस मटेरियल स्ट्रैंड कॉल्ड एज ए लिंकर तो यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये माइक्रोट्यूबुल है एक माइक्रोट्यूबुल दूसरे माइक्रोट्यूबुल से एक स्पेसिफिक मैनर में कनेक्टेड है तो एक माइक्रोट्यूबुल का सब ट्यूब दूसरे माइक्रोट्यूबल के सी से कनेक्टेड है और इन दोनों में जो कनेक्शन है इट इज कॉल्ड एज ए लिंकर और सी ए कनेक्टिव माइक्रोट्यूब इज अबाउट टू फिफ्टी स्ट्रॉन्ग इन डायमीटर। अब ये जो माइक्रो ट्यूब है इसका साइज अगर देखेंगे तो दो सौ पचास एंड स्ट्रॉन्ग इतना है द सेंटर ऑफ सेंट्रियोल पजेस

इस एक्स के बाजू में दूसरी थिकनिंग है वो वाई से कनेक्टेड है वाई ये हब से कनेक्टेड नहीं है लेकिन एक तरफ ये एक्स से कनेक्टेड है तो दूसरी तरफ ये ए सी लिंकर से कनेक्टेड है फिर से एक बार वाई थिकनिंग एक्स के बाजू में है एक्स से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ए सी लिंकर से लेकिन वाई इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द हब अब सेंट्रियोल के बाहर वाला जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज पेरी सेंट्रियोलार मैट्रिक्स अब ये सेंट्रियोल के बाहर आपको नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पेरी सेंट्रियोलार स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे दे आर कॉल्ड एज क्राउन्स और मैस्यूल्स और सैटेलाइट्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ट्रिय के बाहर आपको नाइन स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं दे आर कॉल्ड एज क्राउन्स और मैस्यूल्स और सैटेलाइट्स अब इन मैस्यूल्स और सैटेलाइट्स का फंक्शन क्या है दे आर द रेगुलेटर ऑफ साइज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स इन फेज ऑफ सेल साइकिल एंड रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग एस्टर फॉर्मेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स सो ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स फिर से एक बार सेंट्रिय के बाहर पेरीफेरल साइड में आपको नाइन पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे दिज नाइन पेरिट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मैस्यूल्स और सैटेलाइट्स एंड दीज आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फॉर्मेशन डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड दे रेगुलेट द साइज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल्स अ सेंट्रियोल इज केमिकली फॉर्म्ड ऑफ टी परसेंट प्रोटीन्स अभी हमने देखा कि अल्फा बीटा डायमर प्रेजेंट है वहां पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इज ट्यूबुलिन लिपिड सेवेंटीन टू ट्वेंटी थ्री परसेंट न्यूक्लियोटाइड जीरो पॉइंट फोर परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरिएबल अब लास्ट फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स सो देर आर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स नंबर वन द देंट्रियोल्स फॉर्म एस्टर्स ड्यूरिंग सेल डिविजन ऑफ एनिमल्स ध्यान में रखो एस्टर्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स एबसेंट इन प्लांट्स तो यहाँ पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है उसके पेरीफेरल अवे फ्रॉम आप देखो यहाँ पे सेंटर में क्रोमोजोम्स है तो क्रोमोजोम के अपोजिट साइड में ओके अवे फ्रॉम द क्रोमोजोम यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का या फिर स्पिंडल फाइबर्स का आपको बंडल दिखाई दे रहा है विच लुक लाइक रेडिएटिंग स्टार देर फॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर्स सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रूल सीज टू फॉर्म द एस्टर ड्यूरिंग सेल डिविजन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फी एस्ट्रल सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रोअल फॉर्म्स बेसल बॉडीज अब जो मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है उनमें सीलिया या फिर फ्लाजिला प्रेजेंट रहता है तो उस सीलिया या फ्लाजिले का जो बेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेसल बॉडी तो ये बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बनती है फिर से एक बार फ्लाजिलेटेड और सीलिएटेड जो ऑर्गेनिजम्स है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एग्जैक्टली बिलो द सीलियर फ्लाजिला बेसल बॉडी इज प्रेजेंट दिस बेसल बॉडी इज नथिंग बट सेंट्रियोल एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल अब जो स्पर्म है उसके हेड में नियर द नेक आपको दो सेंट्रोल्स दिखाई देंगे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अब ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है उससे आपको स्पर्म की टेल बनाई दिखाई देती होंगी सो इट द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिस्टल सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल ओके सो डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म गीव राइज टू एक्जूनिम और एक्जेल फिलामेंट ऑफ स्पर्म टेल सो लेटस रिवाइज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल वर्ल्स अगेन First function is the centrioles form asters during cell division of animals. Second centriole forms basal bodies and third distal centriole of sperm gives rise to axoneme or axial filament of sperm tail. Thank you.